Please subscribe to our channel and hit the bell icon so you never miss a video. Hi guys, welcome back to our channel Simply Pretty. और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट के ऊपर और ये है किस ब्यूटी की कॉन्टोर एंड हाइलाइटिंग पैलेट. सो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो पर. वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. सब्सक्राइब करने के लिए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए. और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग को लेके. ये आती है ऐसे एक नॉर्मल प्लास्टिक पैकेजिंग के साथ और मेरी जो शेड है वो है 01. ये शायद 2 शेड में अवेलेबल है, एक तो 01 और एक 02. और अगर मैं इसकी अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो ये आपको इजीली अपनी लोकल मार्केट में मिल जाती है. और अगर आप लोगों को ये लोकल मार्केट में भी ना मिले तो फ्लिपकार्ट एंड कप्स एंड लैसेस पे तो ये आपको जरूर मिलने वाली है. प्राइस यहाँ पे शायद मेंशन भी नहीं किया हुआ है बट ये 200 रुपीज के अंदर तो आपको इजीली मिलने वाली है. बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है. और इसकी जो पैकेजिंग है मेरे ख्याल से ये काफी ज्यादा टिकने वाली है क्योंकि ये प्लास्टिक पैकेजिंग के साथ आती है और काफी ज्यादा स्टीफ है. ऐसे कुछ प्लास्टिक की काइंड ऑफ मतलब ऐसे कुछ टूटा फूटा हुआ चीज नहीं है. इसे शेड रेंज आप देख ही सकते हो कितने सारे के सारे मतलब बहुत सारे शेड इसमें है. एक आपको कॉन्टोर शेड मिल जाती है, उसके बाद एक कलर करेक्टर एंड सारे के सारे कंसीलर शेड मिलते हैं. इसमें ये जो शेड है ये हाइलाइटिंग शेड की तरह काम करने वाली है. सो बहुत ही ज्यादा वर्सटाइल पैलेट है. तो अब मैं इस पैलेट की प्रोज एंड कॉन्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. इसकी प्रोज में जो फर्स्ट बात मैं कहना चाहूंगी वो है ये इतनी कम और इतने अफोर्डेबल रेंज पे इतने सारे कलर्स आपको मिल रहे हैं, वो एक ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी बात है. अगर मैं प्रोज की बात करूं तो इसकी जो अगर मैं इस पैलेट की कॉन्स की बात करूं तो सीरियसली काफी ज्यादा कॉन्स है मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे ये पैलेट ऑनेस्टली बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल ही नहीं. क्योंकि इसके साथ जो मतलब जो ब्लेंडेबिलिटी की इस पैलेट के साथ ब्लेंडेबिलिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है क्योंकि ये इतनी अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होती और ये बहुत ज्यादा क्रीमी नहीं है और काफी थिक है. इसकी कंसिस्टेंसी थिक है इसीलिए ये अच्छी तरीके से आपकी स्किन में ब्लेंड नहीं होती. और जिनकी ड्राई स्किन है वो उन लोगों को तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी. नॉर्मल स्किन पर्सन ओके, ऑयली स्किन पर्सन ओके, बट ड्राई स्किन पर्सन बिल्कुल नहीं. क्योंकि ड्राई स्किन जो मतलब जिनकी ड्राई स्किन होती है उनकी फेस में बहुत सारे डाई पैचेस होते हैं या फिर बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक एरिया होते हैं. और अगर ये जो कंसीलर है या फिर कॉन्टोर कुछ भी कहिए आप, एक बार उस ड्राई पैचेस में फिक्स हो गई तो उसके बाद रियर्ड लगने वाली है ना, लिटरली बहुत ही ज्यादा खराब लगने वाली है और आपकी मेकअप बिल्कुल मतलब वेस्ट होने वाली है. जो कि हम में से कोई भी नहीं चाहती है कि इतने टाइम आप स्पेंड करके एक अच्छी तरीके से मेकअप लुक क्रिएट करो और वो बिल्कुल उस पर पानी फिर जाए, हम में से कोई नहीं चाहेगा. सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस पैलेट. और खास तरीके से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पे, जिसकी फेस मतलब जिनकी फेस में बहुत सारे फेशियल हेयर है, मतलब थोड़ी बहुत भी फेशियल हेयर है, वो तो ये पैलेट बिल्कुल भी ना यूज करे. क्योंकि अगर ये पैलेट में से जो कंसीलर शेड है या फिर कॉन्टोर शेड है ये अगर फेशियल हेयर में चिपक जाती है तो उसके बाद जो लुक आती है ना वो बहुत ही ज्यादा बेकार लगती है मेरे ख्याल से और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है. मतलब बहुत ही रियर्ड सा फील होने लगती है और दिखने में भी बहुत ही बुरी लगती है. सो वो चीज आप लोगों को ख्याल रखनी पड़ेगी कि अगर आप लोगों की फेशियल हेयर है और आप अच्छी तरह से फेशियल हेयर को शेव नहीं करते तो ये पैलेट वेस्ट ऑफ मनी है. और अब मैं इन साड़ी की साड़ी शेड की स्वॉचेस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. आप लोग देख ही सकते हो अच्छी तरीके से कि मैंने साड़ी के साड़ी जो शेड है उनकी स्वॉच शेयर की है आपके साथ. कलर्स तो दिखने में बहुत ज्यादा क्रीमी लग रही है पर है इतना क्रीमी नहीं. और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये काफी ज्यादा थिक है इसीलिए इसे ब्लेंड करने में थोड़ी बहुत तो मुश्किल आती है. मतलब बिगिनर्स है तो अच्छी तरीके से तो प्रॉब्लम आने ही वाली है. श्योर देख ही सकते हैं आप किसकी स्वॉचेस. ये शेड आपके लिए अच्छी तरीके से कलर करेक्टर के भी काम कर देगी पर अगर आप फेयर स्किन टोन के हो तो. तो अगर मैं इस पर्टिकुलर बात मतलब इस पर्टिकुलर पैलेट की बात करूँ जो की है शेड नंबर 01, तो ये सिर्फ फेयर स्किन टोन में ही बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है क्योंकि इसके जो कॉन्टोर शेड है आप देख ही सकते हो बहुत ही ज्यादा कूल टोन है और सारे के सारे कलर्स जो भी है वो भी मतलब बहुत ज्यादा कूल टोन है. इसलिए ये पैलेट फेयर स्किन टोन में ज्यादा अच्छी लगेगी. और इसकी जो अनदर पैलेट है मतलब शेड नंबर 02,
वो मीडियम टू डस्की स्किन टोन के ऊपर अच्छी लगने वाली है। सो अगर आप लोग मुझसे पूछे कि मैं ये पैलेट रिकमेंड करूंगी या नहीं, तो मैं डेफिनेटली ये पैलेट नहीं रिकमेंड करूंगी। उसके बाद आप लोगों की मर्जी, आप चाहो तो खरीद भी सकते हो और नहीं भी खरीद सकते हो। मैंने मेरी इनडेप्थ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर की है, आगे आप लोगों की मर्जी, आप लोग अच्छी तरीके से जज कर लेना, उसके बाद खरीदना। आई होप ये रिव्यू आप सबके लिए अच्छी लगी हो और हेल्पफुल हुई हो, और अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब करने के लिए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, और जो मेरी सोशल मीडियाज की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।